फ्लोर पे आए हैं तो आपको दिखा दे, इधर जो है ये दूसरा पोर्शन है, मतलब ऊपर वाला पोर्शन है, और इधर यहाँ से ये टेरेस है पूरा, और इससे ये जो सीढ़ियाँ ये सबसे ऊपर जाने के लिए है। से फ्रेंड्स, अभी जो है हम लोग खड़े हैं सारनपुरा सिटी पार्क के बाहर, और आज आपको पूरा ब्लॉग देने वाले हैं अपने शाहजहाँपुर में बना सिटी पार्क का फुल ब्लॉग। और आपको बता दें, सिटी पार्क जो है ये लोधीपुर में बना हुआ है। और आपको बता दें, ये जो रोड है पीछे देख सकते हो, ये वाली रोड सीधी जाती है सुभाष चौक वाली रोड है, और इधर जो है ये मेन सिटी की ओर चली जाती है। सो फ्रेंड्स, मेरे बहुत से सब्सक्राइबर्स ने मुझे कमेंट किया था कि मुझे अपने शाहजहाँपुर सिटी पार्क का ब्लॉग बनाना चाहिए। तो खैर फ्रेंड्स, देखिए आज आप लोगों की विश मैंने पूरी करी, और आज हम पूरे सिटी पार्क का ब्लॉग बना रहे हैं। और आपको दिखा दें, पीछे मेरे देख सकते हो सामने कितनी बड़ी मतलब बिल्डिंग दिख रही है, और सामने जब आपको मंदिर भी दिख रहा होगा। तो खैर, और आप यहाँ अंदर सिटी पार्क में अलग अलग कंपार्टमेंट भी बने हुए हैं। तो खैर चलिए, आपको दिखाते हैं, आज पूरा फुल डिस्क्रिप्शन देते हैं ब्लॉग सिटी पार्क का। तो फ्रेंड्स, आपको बताते हैं, हम लोग जैसे ही सिटी पार्क में एंटर करते हैं तो हमको सबसे पहले सिटी पार्क का लोगो, सारनपुरा सिटी पार्क का लोगो दिखने को मिलता है। पूरी लीफ का स्ट्रक्चर बना हुआ है। सो फ्रेंड्स, सिटी पार्क में एंटर करते सबसे पहले यहाँ पे हमको सिक्योरिटी की मतलब फुल व्यवस्था दिखती है। मतलब यहाँ पे 24/7 यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड हैं, वो सब खड़े रहते हैं, और यहाँ पे उनका केबिन भी बना हुआ है प्रॉपर। सिटी पार्क में एंटर करते ही सबसे पहले राइट हैंड साइड पे यहाँ पे हमको सारनपुरा सिटी पार्क का ऑफिस दिखने को मिलता है, और ऑफिस के बाहर यहाँ पे देखिए कितना सुंदर गार्डन भी बना हुआ है पूरा, आप देख सकते हैं काफ़ी बड़े एरिया में गार्डन है। और आप यहाँ पे दिखा दें, आपको उधर साइड घर है वो सैम्पल फ्लैट है सी टाइप, देख सकते हैं। चलिए आपको उसके अंदर भी लेके चलेंगे अभी आगे। ऑफिस में एंटर करते ही सबसे पहले हमको यहाँ पे सिटी पार्क का पूरा फुल मॉडल यहाँ पे देखने को मिलता है, जैसे आप देख सकते हो पूरा यहाँ पे प्रॉपर रोड बनाई गई है, और जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है जैसा बना हुआ है वो सब पूरा यहाँ पे गिवन है। और आगे आप वहाँ पे देख सकते हो आगे फ्लैट का भी अलग अलग जो है बी टाइप सी टाइप जो है वो सब वहाँ पे सैम्पल दिया गया है, मॉडल दिया गया है उसका। सो फ्रेंड्स, चलिए आपको मॉडल के थ्रू समझा रहे हैं कि हम इस टाइम खड़े कहाँ पे। तो खैर आपको बता दें, ये जो मेन रोड देख रहे हो ये वाली, ये जो है ये मेन बाहर वाली लोधीपुर वाली रोड थी, जहाँ की ये जो रोड इस साइड को जा रही है ये है मेन सिटी वाली, और ये सुभाष चौक वाली रोड थी। और अभी हम लोग यहाँ पर खड़े थे, यहाँ पर हम अपना इंट्रो किया था, ये मेन गेट है सिटी पार्क का। और आपको दिखा दें, ये सीधे रोड जा रही है, ये जो है यहाँ पर कमर्शियल पर्पस बनेगा जो कि बना नहीं है अभी। और यहाँ पे ये जो आप नीचे देख रहे हो, इस टाइम हम जो है यहाँ ऑफिस में खड़े हैं इस जगह पे, ये ऑफिस है, और इसके पीछे यहाँ पे पार्क है जो कि वो रहा पार्क का, ये जो पार्क है वो ये रहा। और आपको दिखा दें, अभी टावर जो दिखाया था वो ये रहा, और पीछे पूरे सब फ्लैट्स बने हुए हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं अलग अलग फ्लैट के मॉडल भी दिए गए हैं, ये जो है ये बी टाइप मॉडल है, मतलब जो बी टाइप के फ्लैट बनेंगे वो ऐसे होंगे यहाँ पे मॉडल गिवन है। सो फ्रेंड्स, आप ये जो मॉडल देख रहे हो ये जो है ये टाइप सी सी टाइप मॉडल है, जो सी टाइप के घर बनेंगे वो ऐसे ही होंगे, जैसे कि ये सी टाइप जो आपको सैंपल फ्लैट अभी दिखाया था बाहर वो यही वाला फ्लैट है। सो फ्रेंड्स, आप ये जो देख रहे हो ये डी टाइप वाला फ्लैट है जो कि बने हुए हैं बाहर। सो फ्रेंड्स, चलिए आपको सिटी पार्क के जो मैनेजर हैं उनसे मिलवाते हैं। तो सर, अपना नाम बताइए। आशीष।
तो सर आप हमारे व्यूअर्स को जानकारी दीजिए कि अगर यहाँ पे कोई फ्लैट लेकर लेना चाहता भी है तो यहाँ पे बैंक की क्या फैसिलिटीज अवेलेबल करते हैं? जो भी आपकी प्रोजेक्टेड वैल्यूएशन होती है सर, एज पर लॉज जो माइनॉर्म्स होते हैं उसका जो 80% है उसका आप बैंक से फाइनेंस ले सकते हैं। कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान है इसलिए हमारा जो पेमेंट मोड है बहुत सिंपल है कि जैसे जैसे हम कंस्ट्रक्शन करते रहेंगे हम आपकी और आपके बैंक के थ्रू जो भी डिसबर्समेंट है वो कराते रहेंगे। तो फाइनली जो लास्ट 5% का डिसबर्समेंट हमारा बचता है उससे पहले हम आपका फाइनल मकान पूरा प्रिपेयर करके बना के और आपको होल सोल पोजिशन विद पोजिशनल लेटर हैंड ओवर कर देते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा हमारे बैंकर्स हैं। बाकी हमें फाइनेंस सारे बैंक्स ने लगभग नेशनलाइज बैंक्स ने हमें फाइनेंस किया है, उनके एम्प्लॉयज़ भी हमारे एलीट कस्टमर्स हैं। सो सर थैंक यू, आपने हमारे व्यूअर्स को इतनी अच्छी जानकारी दी सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। अभी जो हम लोग जिस बिल्डिंग के नीचे खड़े हैं तो इस बिल्डिंग का नाम जो है आयरिस टावर है, मतलब ये पूरा टावर वैसे बना हुआ है। तो क्या चलिए आपको अंदर दिखाते हैं, अंदर तक पूरा लेके चलते हैं। कितना सुंदर सनसेट हो रहा है और आप पीछे ये जो देख रहे हैं जो अंडर कंस्ट्रक्शन जो काम है ये सिटी पार्क का फेज टू एरिया है और ये पूरा यहाँ पे भी बन ही रहे हैं सारे फ्लैट। जैसे कि आप देख सकते हैं बिल्डिंग के नीचे यहाँ पे पार्किंग बनी हुई है और यहाँ पे बता दें आपको यहाँ पे जितने भी फ्लैट हैं तो हर फ्लैट के यहाँ पे अलग अलग पार्किंग है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये 108, तो ये 108 जो फ्लैट होगा तो ये उस फ्लैट की पार्किंग है और सब अलग अलग यहाँ पे दिए गए हैं। तो आपको आगे दिखाते हैं, तो ये जो है सब अलग अलग पार्किंग है, अलग अलग फ्लैट के अलग अलग पार्किंग है।
यहाँ पे अभी हमको बच्चे मिल गए थे, जल्दी सबसे नाम पूछते हैं, आप नाम बताइए अपना। अरब सक्सेना। आपका? अर्ज मिश्रा। आपका? वीर। अर्णव सक्सेना। तो आप लोग प्लीज मेरे सब्सक्राइबर्स को बोल दीजिए कि मेरे चैनल सब्सक्राइब करें। सो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। तो फ्रेंड्स भाई बच्चों ने बोल दिया है तो कर दो लाइक कॉमेंट शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू। इस टाइम जो है हम लोग मंदिर के सिटी पार्क मंदिर के बाहर खड़े हैं और ये देखिए पूरा कितना खूबसूरत मंदिर बना हुआ है। सो फ्रेंड्स अभी जो है आप देख रहे हो ये जो सामने ये लक्ष्मी नारायण मंदिर है सिटी पार्क का। और सबसे पहले हमको मंदिर में घुसने से पहले हमको यहाँ पे गणपति जी की प्रतिमा दिखती है बहुत छोटी सी और उसके ऊपर वहाँ पे त्रिशूल भी बना हुआ है शिव जी का। तो यार चलते हैं मंदिर के अंदर आपको दिखाते हैं पूरा अंदर से व्यू। लक्ष्मी नारायण मंदिर के पुजारी जी से, तो पुजारी जी नाम बता दीजिए। मेरा नाम विमल कुमार शर्मा और मेरा घर पड़ रहा है बहराइच, डिस्ट्रिक्ट बहराइच में मैं निवासी हूँ वहाँ का। और कुछ बंद होने का समय? राधे राधे। और इस मंदिर लक्ष्मी नारायण मंदिर में इसमें प्रतिमाएं और भी हैं, माता दुर्गा जी हैं, हनुमान जी हैं, शिव जी का पूरा परिवार है और यहाँ शिवलिंग नर्मदेश्वर की स्थापित है। नर्मदेश्वर बहुत चमत्कारिक शिवलिंग होता है, इसकी पूजा करने मात्र से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, एक बार उनके स्पर्श कर लिया जाए तो सारे पापों में नष्ट हो जाता है। और ये 2018-14 जुलाई से मंदिर चल रहा है, जैसे प्राण प्रतिष्ठा हो गया। और यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात एक है कि माता के दरबार में एक अखंड ज्योत हमेशा जलती रहती है, देसी घी से जलती है 24 घंटे जग कल्याण के लिए। और यहाँ का मंदिर खुलने का समय गर्मी के दिनों में होली से दीपावली तक प्रातः 5:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक, शाम को 5 बजे से रात्रि 9 बजे तक, और जाड़े के मौसम में दीपावली से होली तक प्रातः 6 बजे से 12 बजे तक, शाम 4 से 8:30 बजे तक। और आरती का समय प्रातः तो मंगला आरती होती है जब मंदिर खुलता है, तत्काल तुरंत होती है 5:30 बजे की। इसके बाद 8:30 बजे आरती होती है, इसके बाद जब भोग लगता है 12:15 बजे, और जब भोग उठाते हैं तो 12 बजे पुनः शंख से आरती करके और मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। और शाम को फिर 8 का समय है आरती का, इसके बाद रात्रि शयन आरती होती है 9 बजे, 5 आरतियाँ यहाँ पे होती हैं।
लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अभी हमको यहाँ मंदिर के बाहर अंकल जी मिले जो कि सिटी पार्क में रहते हैं, तो सर बताइए आपका नाम क्या है? हमारा नाम प्रकाश टंडन है, हम ऐसे बनारस के रहने वाले हैं जी। हमारी बिटिया का यहाँ पे मकान है तो हम उससे मिलने के लिए आए हुए थे। सर आपको कैसे लग रहा है सिटी पार्क में आके? बहुत ही बढ़िया कॉलोनी है, काफ़ी खुली और अच्छी साफ सुथरी। यहाँ आने के बाद लगता है कि कहीं बहुत ही अच्छी जगह पे आ गए हैं। हाँ, शाहजहाँपुर छोटा शहर है मगर यहाँ आके लगता नहीं कि ये छोटा हो रखा है जी। अब तो काफ़ी विकसित हो रहा है, काफ़ी विकास हो रहा है। धीरे धीरे ये डेवलप भी होता ही जा रहा है और डे बाय डे काफ़ी अच्छा भी हो रहा है जी। हमारे ख्याल से दो चार साल में ये एकदम बहुत ही यहाँ का क्रीम, मतलब कह लीजिए सोसाइटी बन जाएगी जी। थैंक यू। अपना नाम बताइए। कृषांग टंडन जी। आप भी अंकल जी के साथ हैं? हाँ, ये मेरे नाना। अच्छा, तो आप मतलब यहाँ इसी सिटी पार्क में रहते हैं? हाँ, यहीं रहता हूँ। तो आप कब से रह रहे हो? 5-6 महीने हो गए होंगे। अच्छा, कैसे लगता है आपको? अच्छा। तो आप पे खेलने के भी काफ़ी अच्छी स्पेस है। हाँ, तो और भी अच्छा लगता होगा। हाँ। तो आप मतलब कहाँ, मतलब टावर पे रहते हो या फिर अलग कोई फ्लैट है? नहीं नहीं, ये अलग है। अच्छा अच्छा, चलिए थैंक यू। सो फ्रेंड्स, चलिए आपको मंदिर में आए श्रद्धालु से मिलवाते हैं। तो सर अपना नाम बताइए। ज्ञानेंद्र कुमार। तो सर आप कहाँ रहते हैं? यहीं सिटी पार्क में रहते हैं। सिटी पार्क में रहते जी हैं। जी। तो सर आपको कैसे लगता है सिटी पार्क? सिटी पार्क अच्छा लगता है इस मंदिर की वजह से, और ज़्यादा मौसम यहाँ का अच्छा जी, लगता है जी। जी। तो आप और बताइए कि सिटी पार्क के बारे में, कब से रह रहे हैं? हम यहाँ से रह रहे हैं 2014 से। 2014 से हमारी कॉलोनी में डेवलपमेंट चालू हो गया था। उसके बाद 2014 में ही मंदिर तैयार होना चालू हुआ था जी सर। इसका पूजन 2017 जुलाई में इसका पूजन रथ यात्रा निकाली गई थी जी। और उसके बाद इसका विधिवत पूजन किया गया और यहाँ पे महादेव परिवार की मूर्ति और लक्ष्मी नारायण मूर्ति और माता भगवती की मूर्ति और हनुमान जी की मूर्ति यहाँ स्थापित हुई हैं जी। जी फ्रेंड्स, सिटी पार्क का मेन अट्रैक्शन सब लोग जानते हैं, ये घोड़े, मतलब यहाँ पे देखिए दौड़ते हुए घोड़े बने हुए हैं और यहाँ पे जब फाउंटेन चलता है तो ये और भी सुंदर लगता है। कैसा लगा आपको ये पूरा सिटी पार्क का फुल व्लॉग, और कौन कौन सिटी पार्क से देख रहा है इस व्लॉग को तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और कौन कौन आ चुका है सिटी पार्क के इस मंदिर में तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर ये पूरा व्लॉग पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लीजिए और नोटिफिकेशन भी दबा दीजिए। और मेरी इंस्टाग्राम आईडी आप इसको स्क्रीन पर दिख रही होगी, तो मुझे इंस्टाग्राम पर जरूर से फॉलो करें। सो फ्रेंड्स, लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।